स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। साल 2022 के आखिर में ठंड का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिल रहा है और इस कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली में जहां तापमान 4 डिग्री तक लुढ़क चुका है तो वहीं कुछ राज्यों में तो पारा 0 डिग्री पर पहुंच गया है। ठंड के साथ ही कोहरे की दोहरी मार भी देखने को मिल रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, ठंड ने लोगों की बढ़ाई परेशानियां। कोहरे की वजह से ट्रेनों की बदली टाइमिंग, स्कूलों की टाइमिंग में हो रहा बदलाव, जगह जगह लोग जला रहे अलाव, ठंड से नहीं राहत के आसार। अगले 7 दिन सितम ढाएगी ठंड। साल 2022 के आखिर में ठंड का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में ठंड पड़ रही है और इस कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली में जहां तापमान 4 डिग्री तक लुढ़क चुका है तो वहीं कुछ राज्यों में तो पारा 0 डिग्री पर पहुंच गया है। ऐसे में आला अधिकारी कहीं स्कूलों में बच्चों की छुट्टी का ऐलान कर रहे हैं तो कई स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया जा रहा है। ठंड के साथ ही कोहरे की दोहरी मार भी देखने को मिल रही है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और फ्लाइट्स भी देरी से चल रही हैं। गौरतलब है कि ठंड की वजह से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। वहीं जो लोग ऑफिस या काम के सिलसिले से घर से निकल रहे हैं उन्हें कोहरे की वजह से दिक्कतें हो रही हैं और उन्हें हल्का जाम भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लोग ठंड से बचने के लिए अलाव भी जला रहे हैं और गरीबों के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है जिसमें सभी सुविधाएं सरकार मुहैया करा रही है। आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है। नए साल पर भी लोगों को ठंड से राहत दिखती हुई नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में शीतलहर के साथ कोहरे का अलर्ट जारी किया है। ठंड के साथ घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई है। गिरते तापमान ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।